ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है कि बिना बूंदों की बारिश का क्या एहसास होगा, बिना बूंदों की बारिश का क्या एहसास होगा, बिना महक वाले फूल की क्या खुशबू होगी, और जिस महफिल में अगर आपकी तालियां ना हो उस महफिल की क्या प्रस्तुति होगी। मेरी बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक चुनौती देता हूं, और चुनौती मैं इसलिए दे रहा हूं कि गांधी जी सत्य के लिए प्रयोग करते थे और हम भी यहाँ एक छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं, और एक सवाल भी है। मेरा प्रयोग ये है या विनम्र चुनौती ये है कि क्या हम जब तक मेरी बात चल रही है उस पीरियड में या उस समय अवधि में अपने मोबाइल को बिना टच किए बिना देखे हम आपस में सुन और बोल सके, क्या इस प्रयोग को करने के लिए आप सभी साथ देंगे? सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग करें। अभी हम देखेंगे या अपने आप से इस चीज का आप जवाब देंगे या उत्तर देखिएगा कि इस प्रयोग को करने में क्या आप सफल हो या असफल हो। और अब रहा सवाल कि हम यहाँ दर्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ अधिकतर बच्चे हैं और बच्चे आने वाले भविष्य की नींव है या आने वाले भविष्य का आधार है, तो आप में से सभी बच्चों से मेरा एक सवाल है जिसका उत्तर मैं आखिर में दूंगा। आपसे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैं उत्तर दूंगा। आपके पास टाइम रहेगा, जितने पीरियड में बोलूंगा वो टाइम है आपका। सवाल ये है आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको एबीसीडी आती है? हाँ सर आती है। कैसे मुझे फोन पकड़ा दिया। अब ये बताओ एबीसीडी दो तरह की होती है, एक होती है छोटी एबीसीडी और एक होती है बड़ी एबीसीडी। क्या ठीक है मुझे। अब ये बताओ दोनों आती है नहीं आती, तभी मैं सवाल पूछूंगा। कोई ऐसा बच्चा है जो बाद में कहेगा कि नहीं मुझे तो नहीं आती, कोई ऐसा हो तो देखो उसके लिए सवाल नहीं है। हाँ अभी तो देखो सभी लोग मोबाइल से अभी तक दूर है ना, नजर है जितनी मैं देख सकता हूँ। और अब सवाल ये है मेरा बच्चों से कि छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी से कितनी छोटी है, या इस सवाल को मैं दूसरे पूछता हूँ कि बड़ी एबीसीडी छोटी एबीसीडी से कितनी बड़ी होती है। इसका उत्तर हमें ना कार्यक्रम के अंत में या मेरी बात खत्म हो जाएगी उसके अंत में करेंगे। अब मेरा सवाल और विनम्र चुनौती दोनों आपने सुन ली। अब हम बात करते हैं गांधी दर्शन की। मेरी छोटी छोटी बातें रहेगी, कोई भारी भरकम चीज मुझे भी समझ में नहीं आती और मैं चाहता हूं कि आपके साथ भी ऐसी कोई बात ना करें। गांधी दर्शन दो शब्द नहीं बल्कि ज्ञान का अमूल्य भंडार है। इस भंडार में अतीत की हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं और इस भंडार के अंदर जो वर्तमान में हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे सारी चुनौतियों के संतुलित जवाब भी है। तो सामना करने वाले हैं उन समस्याओं के लिए एक समाधान भी प्रस्तुत है। गांधी दर्शन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, न्याय सिक्का सिद्धांत आदि बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में मुझसे पहले के वक्ता बहुत सारी बात कर चुके हैं। मैं बात करता हूं जिसकी बात कम होती है लेकिन वो हमारे लिए जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। गांधी ने एक संकल्पना दी थी जिसका नाम था सात पापों की संकल्पना, गांधी के द्वारा वर्णित सात पापों की संकल्पना और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता। तो मेरा विषय यह है कि गांधी के द्वारा वर्णित सात पापों की संकल्पना, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात ही बोलने बस मुझे वहां भी खत्म हो जाएगा, और उसकी वर्तमान युग में प्रासंगिकता। इस सात पापों की संकल्पना को समझने के लिए हमें साधन साध्य की पवित्रता के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। साध्य का अर्थ होता है कि हमारा गोल क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, मंजिल क्या है, कहां लक्ष्य है, टारगेट है, क्या एम है, ये हमारी साध्य है। और साधन क्या है कि अगर मुझे वहां तक जाना है तो उसके लिए मैं कौन कौन सा तरीका उपयोग करूंगा।
जैसे आप सभी बच्चे परीक्षा में पास होना चाहते हैं, ये आपका साध्य है। अब इसके साधन हो सकते हैं कि आप ईमानदारी से पढ़ाई करें, एक हो सकता है कि आप किसी भी तरीके की नकल का सहारा लें। तो गांधी ने ये कहा है कि मेरे लिए साधन और साध्य दोनों अच्छे विकल्प होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, उसमें किसी भी तरह की बेईमानी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। इन साधन और साध्य की श्रृंखला के ऊपर ही गांधी के द्वारा वर्णित सात संकल्प है, सात पापों की संकल्पना है। उसमें पहला पाप आता है, गांधी कहते हैं कि ऐसी राजनीति जिसमें सिद्धांत ही नहीं है वो एक पाप है। गांधी कहते हैं पहली गांधी की पाप की संकल्पना है कि ऐसी राजनीति जिसमें कोई सिद्धांत ही नहीं है वो राजनीति एक पाप है। गांधी ये मानते हैं कि प्रत्येक राजनेता का और राजनीतिक दल के कुछ नीति नियम सिद्धांत और स्वधर्म होता है। उस राजनेता और राजनीतिक दल को उन स्वधर्मों का पालन करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में आप सभी बच्चों देखते हो, अखबारों में अलग अलग खबरों में देखते हो, टीवी न्यूज चैनल्स में देखते हो कि ये उस पार्टी में गया, ये इस पार्टी में आया। बिना पहने के ज्यादातर लोटे वाली स्थिति में राजनीतिक दल आ गए हैं जो किसी भी तरीके से सही नहीं है, वे पाप की श्रेणी में है गांधी के मतानुसार। इसके कारण प्रत्येक राजनेता का एकमात्र उद्देश्य ये हो गया कि वह अधिकतम समय तक सत्ता में बने रहना चाहता है, अधिकतम समय तक मुख्यमंत्री बने रहना चाहता है, अधिकतम समय तक प्रधानमंत्री बने रहना चाहता है। इसके लिए वह गलत से गलत साधन का प्रयोग कर रहा है, भुजबल, भावबल, हर तरीके से। इसका परिणाम ये आ रहा है कि हमारे समाज में जातिवाद, धर्मवाद, धर्म के आधार पर कट्टरता, ये सारी चीजें आ रही है जो देश की विकास, प्रगति और तरक्की को रोक रहा है। तो ये हो गया गांधी के अनुसार पहला पाप, ऐसी राजनीति जिसमें सिद्धांत नहीं है वो राजनीति क्या है, पाप है। दूसरा गांधी के अनुसार, गांधी के द्वारा वर्णित सात पापों की संकल्पना में दूसरा पाप आता है कि बिना मूल्यों वाली शिक्षा पाप है। ऐसी मूल्य प्रणाली, ऐसी शिक्षा या ऐसा ज्ञान जिसमें कोई मूल्य नहीं है वो पाप है। हम ये देखते हैं, हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि सफलता प्राप्त करिए, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। अब कोई भी रास्ते से जो लोग सफल हो जाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी बन जाते हैं, तो जो उनके दायित्व होते हैं वो दायित्व पूरे नहीं करते, वो उस प्रशासनिक पद का दुरुपयोग करेंगे, भ्रष्ट आचरण करेंगे और वो हमारे समाज के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगा। गांधी के द्वारा वर्णित सात पापों की संकल्पना में तीसरा पाप है कि कोई ऐसा व्यापार जिसमें नैतिकता नहीं है तो वो पाप है। कोई व्यापार, कारोबार या बिजनेस ऐसा किया जा रहा है जिसमें किसी तरह का नैतिकता नहीं है तो वो एक पाप है। वर्तमान में हम देखते हैं कि व्यापारी वर्ग का एकमात्र काम ये रह गया है, या ज्यादातर व्यापारी का एकमात्र काम ये है कि अधिकतम लाभ को करना, चाहे उसके लिए उसे मिलावट करनी पड़े, चाहे जमाखोरी करनी पड़े, चाहे उसे कर चोरी करनी पड़े। मिलावट करने से जो आप और मेरे तक कोई भी उत्पाद आता है वो कमजोर आता है, उससे हम कुपोषित होते हैं। जमाखोरी करने से महंगाई बढ़ती है, तो उस महंगाई का सामना आपको, मुझे, हम सबको करना पड़ता है। कर चोरी अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा या उद्योगपति के द्वारा की जाती है तो उस कर चोरी के कारण आपको और मुझे या सरकार को टैक्स कम प्राप्त होता है, और टैक्स कम प्राप्त हुआ तो सरकार के पास राजस्व के संसाधन कम होते हैं। तो एक तरीके से गांधी यहां तीसरे पाप के रूप में बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यापार जिसमें नैतिक सिद्धांत नहीं है तो वो पाप है। अब चौथी चीज आती है, बीच में देखो कुछ कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं कि वो हारते जा रहे हैं, मोबाइल को टच करके देख रहे हैं। अभी आपसे ही आ रहे हो, मुझसे नहीं आ रहे हो। और वो जो एबीसीडी वाला सवाल था वो आप अभी भी आसपास पूछ सकते हो। चौथा गांधी के अनुसार पाप ये है कि ऐसा कोई भी धन जो हमने बिना श्रम के कमाया है
जिसमें हमने कोई मेहनत नहीं की, वो श्रम बिना श्रम के जो हमने कोई धन कमाया है वो एक पाप है। इस संकल्पना के तहत गांधी ये बताना चाह रहे हैं कि हम किसी भी तरह का कोई भी धन तभी प्राप्त करें या तभी प्राप्त करना चाहिए जब हम श्रम या पसीने के महत्व को जाने। गांधी के अनुसार पांचवा पाप है कि कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी विज्ञान जिसके अंदर मूल्य नहीं है, तो मूल्य विहीन विज्ञान है तो वो एक पाप है। वर्तमान युग में हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी ऊर्जा है, सुख सुविधाएं हैं, उसका आधार विज्ञान है। ये विज्ञान का सदुपयोग है, लेकिन जब विज्ञान को मूल्यहीन तरीके से उपयोग किया जाता है तो वो विज्ञान एक पाप का रास्ता अख्तियार कर लेती है। जैसे आपने देखा होगा 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंके गए और उन परमाणु बमों के दुष्परिणाम वहां के नागरिक और वहां का समाज आज भी झेल रहा है। आप अभी देखते होंगे टीवी पे कि यूक्रेन के ऊपर रूस का आक्रमण चल रहा है, तो रूस विज्ञान के साधनों का युद्ध में प्रयोग कर रहा है, तो एक तरीके से ये पाप है। गांधी के सात पापों की संकल्पना में छठा पाप आता है कि आप जो आनंद प्राप्त करते हो अगर वो विवेक के बिना आनंद प्राप्त कर रहे हो तो वो पाप है। आप, मैं और हम सभी खुश रहना चाहते हैं, आनंद से रहना चाहते हैं, लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है कि हम हर तरीके से खुशी या आनंद को प्राप्त कर ले। हम अपने आसपास देखते हैं कि हम हमारे सहपाठी या हमारे साथ काम करने वाले व्यक्ति, हमारे पड़ोसी, किसी के यहाँ दुख होता है, कलेश होता है, तो हम खुश हो रहे हैं। तो ये खुशी क्षणिक भी नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति आएगी कि जब कभी हमारे ऊपर कोई संकट आएगा तो हमारा पड़ोसी खुश होगा। और इसी का परिणाम यह है कि आज खुशी सूचकांक में या हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति 140 से भी पार है। और गांधी के द्वारा वर्णित अंतिम सात पापों की संकल्पना का अंतिम पाप है कि ऐसा कोई भी धर्म जिसमें त्याग नहीं है तो वो धर्म पाप की ओर ले जाता है। धर्म हम सभी के जीवन के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस धर्म से हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं। हम अपने इतिहास की परंपराओं में देखते हैं कि प्रभु श्री राम, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, इन तीनों ने त्याग किया, राजपाट का त्याग किया, राजगद्दी का त्याग किया, धर्म की मर्यादा को स्थापित करने के लिए। ईसा मसीह ने अपने जीवन को सूली पे चढ़ा दिया धर्म को विस्तारित करने के लिए। हम मध्यकाल में भी देखते हैं और अपने झालावाड़ में भी संत भीमा ने अपने राजपाट को त्याग दिया। मध्यकालीन भारत के इतिहास में या राजस्थान के इतिहास में घोगा जी, तेजा जी, हड़बू जी, पापू जी, मीराबाई, इन सभी ने धर्म के विस्तार पल्लव पोषण के लिए अपने जीवन का सर्वस्व त्याग कर दिया। लेकिन आप वर्तमान में क्या देख रहे हैं कि धर्म के ऐसे ऐसे ठेकेदार आ गए हैं जो धर्म के नाम पर ठगी कर रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, झूठ को फैलावा दे रहे हैं और अय्याश जीवन जी रहे हैं, जिसमें आप सभी कुछ लोगों के नाम जानते होंगे, गोविंद राम रहीम, संत रामपाल, आशाराम, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो ये सात गांधी के अनुसार वर्णित पाप हैं और यदि इन नियमों को यदि हम सही रूप से पालन करें तो हमारा सबका व्यक्तिगत जीवन खुश रहेगा, समाज के अंदर तरक्की रहेगी, देश के अंदर आर्थिक प्रगति रहेगी और विश्व स्तर पर हम वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। मेरी बात यही पे खत्म होती है, लेकिन अब जो दो चीजें थी, आप में से ईमानदारी से अगर कोई बता सके ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस पीरियड में मोबाइल ही नहीं देखा, आप भी कह सकते हो। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए कम से कम ये प्रयास किया। अंतिम बात, आप में से कौन बच्चा उस सवाल का जवाब देना चाहेगा जो मैंने शुरुआत में पूछा था? आगे आ जाइए प्लीज, आगे आ जाइए।
स्कूल के बच्चे पहले अगर स्कूल के बच्चे ट्राई करें तो स्कूल के बच्चे स्कूल में कोई बच्चा बोलना चाहेगा क्या? हम सब में से किसी को एबीसीडी नहीं आती है? आप नहीं आइए आइए आगे आइए आपका नाम बताइए या माइक है जी क्लास नाइन में एबीसीडी छोटी बड़ी नहीं होती बल्कि वो पहचानने के लिए बहुत सारा नाम। मेरा सवाल है कि छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी से कितनी छोटी होती है या बड़ी एबीसीडी छोटी एबीसीडी से कितनी बड़ी होती है? आपकी बात पहचान मैं पूछ रहा हूँ कितनी बड़ी है कितनी छोटी होती है? सब एक होगा तो मैं भी जान रहा हूँ लेकिन आप सभी ने बोला कि आपको सबको एबीसीडी आती है तो आपने बोला इसलिए मैंने सवाल पूछा नहीं तो मैंने पूछता। और कोई बच्चा आगे आपको बोलना चाहेगा? और कोई प्लीज बराबर होती है लेकिन मैं जो मैं उत्तर जानता हूँ दर्शन की बात कर रहे हैं एबीसीडी छोटी बड़ी कोई नहीं होती उसका लिखाव का फर्क होता है जैसे छोटा अक्षर और बड़ा अक्षर लिखते हैं ना वैसे ही लिखाव का फर्क होता है बट एक दो एबीसीडी छोटी बड़ी एक नहीं आपका प्रयास अच्छा है लेकिन उत्तर अभी भी नहीं मिला। नहीं मैं वापस अपना सवाल दोहरा रहा हूँ कि छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी से कितनी छोटी है या बड़ी एबीसीडी छोटी एबीसीडी से कितनी बड़ी है? मुझे पता है उत्तर होना चाहिए ना। ये उत्तर दिया लेकिन आपने प्रयास किया तो बहुत बहुत बधाई आपको। और कोई टीचर इसका उत्तर देना चाहेगा? महात्मा गांधी स्कॉलरशिप है वहाँ मिल गई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितनी बड़ी है कितनी छोटी होती है? नहीं सर चलो इसका उत्तर मैं तो जानता हूँ और मैं इसके कई उत्तर हो सकते हैं पर आपको मैं जो तर्क बोल रहा हूँ उस तर्क से आप सहमत होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर मैं बोल आपको बोल सकती हूँ। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि हम यहाँ पे दर्शन की बात कर रहे हैं दर्शन मतलब दृष्टिकोण की या नजरिए की। मैं अच्छे से जानता हूँ हम सभी बहुत अच्छे से एबीसीडी जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं छोटी बड़ी सभी लेकिन क्या हमने कभी जब बचपन में सीखना चालू किया तो उस चीज को हमने कभी गौर किया कि जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि 4 लाइन कॉपी लाइट है तो छोटी और बड़ी एबीसीडी में 1 लाइन का फर्क होता है। 4 लाइन की जो एबीसीडी होती है उससे 3 लाइन और 2 लाइन में जो लिखते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद।